जी पेंट के चक्कर चक्कर में घर में तो पूरी सफाई तो देखो होती है। फिर तो ये मेरे अभी स्टोर रूम की हालत है। स्टोर रूम में वही है, घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब कुछ स्टोर रूम में ही रखा जाता है। तो अभी मैं लगी हुई हूँ स्टोर रूम को क्लीन करने में, सारा सामान अच्छे से अरेंज करने में। तो जी ये ऊपर वाला ये सारा सामान मैंने लगा दिया है अभी यहाँ पे, और ये वाला लगा दिया है यहाँ पे, इसमें अनाया के डायपर वगैरह सब कुछ। ठीक है जी, अभी थोड़ा थोड़ा करके अपना लगा रही हूँ। अब ये वाली बास्केट भी सेट हो गई है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो यहीं पे इसमें रख दिए हैं। बाकी भी सारी चीज़ें जितनी भी है ना ये सब हटेंगी, और तभी अच्छे से क्लीनिंग होगी। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल रही हूँ, बस हो जाएगा स्टोर रूम करने के बाद में फिर करूँगी मैं अपना किचन की डीप क्लीनिंग। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा दिए, और अभी थोड़े बहुत कपड़े और हैं वो भी लेती आऊँगी, अभी उनको भी यहीं पे लगा दूँगी। ये वॉलपेपर मंगवाया हुआ है, ये भी काम आएगा अभी, तो पहले ये वाला पोर्शन करते हैं। स्टोर रूम आपको मैंने अभी दिखाया ही था कि क्या कंडीशन थी स्टोर रूम की, और अभी देखिए बढ़िया से सारा सामान मैंने लगा दिया इसमें ना, सारी बोटल्स वगैरह रखी हुई हैं ऊपर, और ये बाकी की सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी हैं। पूरा धूल वगैरह बहुत निकलता है क्योंकि देखो खुली हैं, बट इन रैक का ना फ़ायदा बहुत है। ये देखो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि लगा दूँ। पूरा पोचा भी लगा दिया इसमें, और अभी देखो इस वाले रूम की हालत। तो भी ये वाला रूम क्लीन करूँगी, ये पर्दे हैं ये भी लगाऊँगी अभी, और ये देखो ये सारा कूड़ा कचरा निकला है। पूरी बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी, और मंदिर मैंने साफ़ सुबह में ही कर दिया था पूरा ना, मैंने अच्छे से मांजा था मंदिर अपना आज बिल्कुल, ये ना क्योंकि दिया जलाते हैं तो थोड़ा बहुत देखो कालस्सी हो ही जाती है। बेशक मैं घी का ही जलाती हूँ दिया, पर फिर भी। तो ये ठीक है ना, चलो अभी बाकी का अपना ये वाला रूम क्लीन कर देते हैं, फिर जाएंगे हम किचन में। पे जो है इस वाले रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, और आगे वीडियो में बने रहिएगा, और बहुत सारी चीज़ों के आप लोगों को जवाब भी देने हैं, और रूम कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं अपनी वीडियो में भी बताया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए रेंट के मकान में आप पेंट क्यों कर रहे हो, रेंट के मकान में पेंट क्यों कर रहे हो, और आपको ओनर ने कैसे वो दे दी। तो जी आप लोगों की बातें, तो अभी ये वाला रूम भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, कर्टेंस रह गए हैं बस, वो मैं बाद में लगाऊंगी सारा काम निपटाने के बाद। अभी इस वाली वॉल पे लगना है वॉलपेपर, इस वाली वॉल पे बेड के पीछे पूरे पे इतना, ठीक है जी, यहाँ पे वॉलपेपर लगेगा, और इस पर देखते हैं शायद इस वाली वॉल पे नहीं लगाएंगे। बाकी पूरा फोकस, पूरा रूम मैंने अपना साफ सुथरा कर दिया है। ये है बेड, ठीक है जी, ये देखिए ये इस तरीके से बेड हमारा, और ये दोनों तरफ प्लांट्स, और ये मंदिर है यहाँ पे, और ये कॉर्नर रख दिया है यहाँ पे, ठीक है जी।
सारी चीज़ें हो गई हैं, मंदिर भी हमारा ये रहा और सामने हमारी LCD हो गई, यहाँ पे AC हो गई और ये रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा होने के बाद में अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किचन की हालत। पेंट होने के बाद में यही सब होता है, ये देखो जी अभी किचन की हालत। तो अभी चल रही है किचन की क्लीनिंग, ठीक है। और अभी मैंने सिर्फ बर्तन वगैरह देख लो सारे पड़े हुए हैं, अभी ये वाला ऊपर वाला किया है बस, छोंड लगती है इसमें ना, ये देखो ये ऊपर वाला जो है वो क्लीन हो गया है। अब ये नीचे वाला और ये सारे ड्रो करूँगी पहले। ये देखो हालत अभी कुछ ऐसी है क्योंकि 2-3 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं हुआ इस वजह से। चलो थूजी लगे लगे कई दिन हो गए हैं और हालत जो है वो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई। और आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई कि आज मेरा और कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि आज जो भी पेंट वगैरह हुआ था उसकी सारी सफाई वगैरह कर दी। और देखो कितना फ़र्क पड़ गया है बैकग्राउंड पर, मतलब चांदना चांदना सा लगता है, पहले बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आता था। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे, उनका मैं एक एक करके रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी तो देखो सबके सारे ही क्वेश्चन नहीं मतलब लिए जाते हैं। तो पहली बात कि आपने रेंट के मकान में पेंट क्यों किया, तो मैं इस चीज़ का एक ही रिप्लाई करना चाहूँगी कि दुआ कीजिएगा कि ये रेंट अब शायद ना ही बोलना पड़े, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी चल रही है, जिस दिन भी क्लियर हो जाएंगे उस दिन सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। देखो एक घर होना ना हर एक इंसान का वो होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनका उनके पास में खुद का घर हो, ठीक है। ये हर एक इंसान का सपना होता है और हमारा भी हाल फिलहाल सिर्फ एक वो है कि हमारा खुद का अपना घर हो बस। और हमें पता है कि हम देखो गांव में हमने घर मकान बनाया भी था बट हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, अब वो तो वहाँ का तो रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जहाँ पर भी रहना है कहाँ रहना है, जैसे हम यहाँ पे हैं तो वहीं पे इंसान क्या सोचता है कि अपना खुद का घर हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो हर महीने का हमारा जो यहाँ का रेंट भी जाता था 7.5 के करीब रेंट और बिल विल वगैरह सारी चीज़ें जो है इनको जाकर इतना मतलब महीने का जा रहा था। और हमारे लिए देखो 7,500-8,000 रुपये रेंट देना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसा लगता है कि बस वेस्ट हो रहा है, ये किसी भी काम नहीं आना है, ठीक है जी। वैसे तो देखो रेंट पे रहते हैं लोग 20-25 हज़ार भी रेंट देते हैं, 30-30 हज़ार भी। और अगर मुंबई जैसे शहर में आप लोग चले जाओगे तो वहाँ पे तो हाई फाई रेंट है, तो रेंट भी देखो बहुत बहुत ज़्यादा है। बट हमारे लिए 7,000-8,000-10,000 तक का रेंट देना भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। तो हम बहुत टाइम से बस यही हमारे दिमाग में चलता है कि किसी तरीके से ये जो रेंट जाता है ना ये हमारा ख़त्म हो, और उसी प्रोसेस में हम लग रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की दुआओं से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। और मैं पहले कोई भी चीज़ इस वजह से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम खुल करके यहाँ पे कोई भी बात नहीं बता पाते। जिस दिन ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, घर का मैटर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस दिन एक वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्यों पेंट किया, ये किया वो किया, तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत सोच समझ के की हैं और जो भी चल रहा है वो भी बहुत सोच समझ के चल रहा है। और सही टाइम आने पर हर एक चीज़ हर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है जी। बाकी और भी उल्टे सीधे जो कमेंट आते हैं उनके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मैं निगेटिव चीज़ दिखाती हूँ ना मैं निगेटिव कुछ कर रही हूँ, तो मुझे निगेटिव चीज़ों के बारे में बोलना भी नहीं है। बस मेहनत करनी आती है
और मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उसके ऊपर उल्टा सीधा कोई कमेंट करे या कुछ भी करे, उसका रिप्लाई देना वो हमारे हाथ में है कि हमें उसका रिप्लाई देना है या नहीं देना है। मुझे किसी भी उल्टी सीधी बात का कोई भी जवाब नहीं देना है। घर को लेकर के था, जिस दिन ये चीज़ें बिल्कुल सोल्व हो जाएंगी, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं अभी से कुछ बता दूं और आगे चल कर के वो बात ना हो, फिर वही हो जाएगा कि तुमने तो ये बोला था, तुमने तो वो झूठ सच वाली चीज़ें फिर हो जाती हैं, है ना। तो मेरा यही है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, फिर आप लोगों के साथ में एक वीडियो में अच्छे से बता करके उस चीज़ को कर दिया जाए। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं खुद को अगर फ़ोन में देख रही हूँ, अच्छा मैं जैसे वीडियो बनाती थी, मैंने एक दो वीडियो में जैसे मैं वो गया कैमरा उठाया, तो मुझे एक ने ये भी कमेंट किया था, कैमरा कौन सा कैमरा है, फ़ोन से वीडियो बनाती है और कैमरा कैमरा बोल, तो वो ना निकल जाता, फ़ोन से ही बनाती हूँ भाई, मैंने आज तक ना कोई कैमरा लिया है, फ़ोन भी अपना नॉर्मल सा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया वाला नहीं, मेरा नॉर्मल सा फ़ोन है, ओप्पो रेनो 10 का मेरा फ़ोन है, मैं उसी से वीडियो बनाती हूँ, और ऐसा मेरा कुछ वो है भी नहीं कि मुझे बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए, वीडियो बनाना आना चाहिए। और अभी अनाया पाखी वर्ल्ड पे रोज़ मेरा व्लॉग जाता है 3 बजे, बाकी का उस पर वीडियो ज़्यादा आया करेंगी, और भी कुछ चल रहा है वो भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और पहले तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी अपनी हालत को सुधार करना चाहिए, सबसे पहले तो जो ये हालत ख़राब हो गई, बस एक रूम मेरा और रह गया, छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं, यहाँ वॉलपेपर लगना है सामने, वो तो अभी देखते हैं, खाना पीना खा के अभी लगाएंगे, कब। बाकी का रूम बहुत अच्छा लग रहा है, ये बेड भी अभी देख रहे हैं कि ये बेड ठीक हो जाए, तो ये वाला बेड भी हम ठीक करवाएंगे अपना, इसको मैं सिरहाना और पायता लगवाना है मैं, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, बेड ठीक करवाना है बस। तो ये बच्चों का बेड हो जाएगा, मतलब पाखी का, क्योंकि वो उसको अभी रूम हमारा गर्मी की वजह से अभी तो एसी वाले रूम में लेटते हैं, तो बाकी फिर मैं इसका पाखी का रूम जो है यहीं पे इसका स्टडी टेबल, यहीं पे अपना इसका बेड हो जाएगा, तो इसका रूम सेपरेट करूँगी मैं, हमारा तो है ही वो सामने बेडरूम। तो बस ये कुछ था, कुछ यही मुझे आप लोगों से आज बातें शेयर करनी थी, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। बहुत मुझे पता है सोना सोना लग रहा है ना, कानों में भी मैंने इयररिंग्स नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि वो वैसे पहने हुए थे लंबे लंबे से, काम कर रही थी तो बड़ी हो रही, और देखो गर्मी में तो सच बताऊँ कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना प्यार साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से।